सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। ओ भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? तो अपनी चादर मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है, अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाते हैं आप? हमने हमें कुरान नहीं, ये सिखाते हैं। ये पर्दे का हुक्म दिया तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओ। वहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। औरत के दुपट्टे के अजाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की बहुत सी औरतें सख्त अजाब में मुब्तला थीं, उनके सर के बाल जहन्नुम की दीवारों से बंधे हुए थे। ये वो औरतें थीं जो अपने सर के बाल दूसरे मर्दों से नहीं छुपाती थीं। कयामत के दिन जब पर्दे का सवाल किया जाएगा तो एक औरत चार जन्नती मर्दों को दोजख में लेकर जाएगी, बाप, भाई, शौहर और बेटा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सब औरतों को पर्दा करने की और मर्दों को औरतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।